गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आई होप आपने अपनी लास्ट क्लास का रिवीजन किया होगा। लास्ट डे हमने कौन सी फैमिली के बारे में बात करी थी, बताइए। यस, वेरी गुड। हमने लास्ट डे बात करी थी एड फैमिली के बारे में, AD एड फैमिली के बारे में। एंड वी लर्न मेनी न्यू वर्ड्स विच एंड विद एड, है ना। उन सब में कैसा साउंड है, AD एड, एड, राइट। सो आज हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एन फैमिली के बारे में। सो ये सारे जो साउंड्स हैं, ये कौन से वोवल के साउंड्स हैं। दीज आर दी साउंड्स ऑफ वोवल ए। हाउ मेनी वोवल्स डू वी हैव, वी हैव फाइव वोवल्स, AEIOU, राइट। सो आज हम कर रहे हैं एन फैमिली। सो द फर्स्ट वर्ड इन एन फैमिली इज दिस। अब हम इन सबका साउंड बोलेंगे और फिर हम ये पूरा वर्ड बोलेंगे। पेरेंट्स, बच्चों को हम PAN पैन नहीं पढ़ा रहे हैं। हम उनको जिस मेथोडोलॉजी से पढ़ा रहे हैं, उस मेथोडोलॉजी से ही आप उन्हें पढ़ाएंगे। सो दैट जब धीरे धीरे वो अपनी नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स भी वो अपने आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, अगर वो इस मेथड को फॉलो करेंगे। सो जैसे हम मेथड आपको सिखा रहे हैं, वैसे ही मेथड आप घर में बच्चों को भी बताइए। सो बच्चास, द साउंड ऑफ लेटर P इज प, साउंड ऑफ लेटर A इज ए, एंड साउंड ऑफ लेटर N इज न। तो हम इसको एक साथ बोलेंगे, ठीक है। प ए न पैन, प ए न पैन, प ए न पैन। नेक्स्ट वर्ड इज, इसका साउंड क्या है, व ए न वैन, व ए न वैन। वन मोर टाइम, व ए न वैन। वेरी गुड बच्चस। एफ का साउंड क्या होता है, फ, फ ए न फैन। आपके घर में है ना फैन, रूफ पे देखिए, ऊपर देखिए। वेरी गुड। सो लेट्स से वन मोर टाइम, फ ए न फैन, फ ए न फैन। द नेक्स्ट वर्ड इज, एम का साउंड क्या होता है बच्चा, म, म, म ए न मैन, म ए न मैन, म ए न मैन। अब इस पिक्चर में देखिए आदमी क्या कर रहा है, द पर्सन इज रनिंग। सो हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर आर, द साउंड ऑफ लेटर आर इज र, र ए न रैन, र ए न रैन, र ए न रैन। नाउ दिस इज दी नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर सी, लेटर सी सेज क, क ए न कैन, क ए न कैन, क ए न कैन। सो अभी हमने बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे। सो दिस इज दी राइम फॉर यू, एंड दिस राइम हैज ऑल दीज वर्ड्स। इस राइम में ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। सो पेरेंट्स, अब जिस तरीके से हम बच्चों को स्कूल में रीडिंग करना सिखाते हैं, उसी तरीके से आप घर में उनको हेल्प करिए। वो घर में इसी तरीके से रीडिंग करेंगे। सो लाइन बाय लाइन पढ़ना है हमको। सो वी आर नॉट गोइंग टू से MAN मैन, नहीं, इस तरीके से हम नहीं पढ़ा रहे हैं उनको। वी आर सेइंग म एन मैन, म एन मैन, म एन मैन, अ म एन मैन विद अ फैन। यहाँ पे विद, अ, द, इन, ये सारे के सारे साइट वर्ड्स हैं। हमने आपको ऑलरेडी वीडियो भेजी है साइट वर्ड्स की, एंड हम फ्यूचर में आपको और भी साइट वर्ड्स के वीडियोस भेज रहे हैं। सो साइट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बच्चा उनको देखकर उन्हें बोलना सीखेगा। द, इन, एट, ऑन, माय, दीज आर साइट वर्ड्स। सो इस राइम को रीड करने में उन्हें हेल्प करेगी वो वाली वीडियो, वेयर इन यू विल रीड अबाउट साइट वर्ड्स। सो प्लीज गो थ्रू दी साइट वर्ड्स वीडियो विद दिस राइम। म एन मैन, म एन मैन, म एन मैन,
अ म एन मैन विद अ फ एन फैन, व एन वैन, व एन वैन, व एन वैन, द म एन मैन, र एन रैन, टू द व एन वैन, क एन कैन, क एन कैन, क एन कैन, अ कैन इन अ प एन पैन. सो दिस इज हाउ वी रीड अ बुक, दिस इज हाउ आर लिटिल वंस आर गोइंग टू लर्न टू रीड. सो बच्चस, अगर मम्मा डैडी बिजी भी हैं और आपके पास कोई स्टोरी बुक है, सो नाउ यू कैन रीड इट योर सेल्फ बिकॉज यू हैव बिकम बिग बिग बेबीज, राइट? सो आप खुद से भी अपनी स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं. सो हमको क्या करना है, हमें साउंड के साथ साउंड को ऐड करना है. सो इफ यू वॉन्ट हेल्प इन दी साउंड्स, वी हैव ऑलरेडी सेंट यू अ वीडियो ऑन दी फोनिक्स, आप गो थ्रू दैट एंड दैट विल हेल्प यू. सो लास्ट लाइन इज प एन पैन, प एन पैन, प एन पैन, द पैन इन द वैन. वेरी गुड बच्चस, वेरी गुड. सो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, लर्न करिए, लर्न हाउ टू रीड वर्ड्स. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, गेट बैक टू मी. अपनी मैम को आप पूछेंगे जब भी आपको कोई क्वेरीज होंगी. ओके बच्चस, थैंक यू सो मच, बाय बाय.